मतलब है? चामे भाई गाइस आप बताओ ये मेरा जो नया हेयर स्टाइल है कैसे लग रहा है? चामे चामे नहीं लग रहा ना? चामे भाई मैं चामे नहीं लग रहा है उल्टा आई थिंक दिस सूट्स मी डू लेट मी नो इन कमेंट्स मुझे आपके ओपिनियंस भी मुझे आपके ओपिनियंस भी मैं कुछ बोल रहा ना शांत रहे मुझे आपके ओपिनियंस भी देखने की मैं ऐसे हेयरस्टाइल में कैसा लग रहा हूँ इज इट गुड इज इट बैड डू लेट मी नो इन कमेंट्स डू लेट मी नो गाइस कम ऑन डू लेट मी नो पूरा बाल एकदम गंदा सेट किया हुआ है मेरा बाल कैसे दिख रहा है कॉन्टेंट है मेरा जैसे सौरभ ब्लॉग्स का पीयूष कॉन्टेंट है वैसे मेरे ब्लॉग्स का सोहम कॉन्टेंट है आपल्याला कल्पना आहे की तिथले आपले लोकप्रतिनिधी माझे हॅशटॅग कसे दिसते भारत भालकेश यांचं कोरोनामुळे निधन झालं नॉट गुड वाय दुर्दैवाने ते आपल्यातून गेले आणि त्यांची जी जागा आहे त्या मतदारसंघाने कडकपणाने राहून हॅशटॅग कसे दिसते माझे म्हणून मी तू नेहमी नवीन मतलब नवीन वर्ड का बनवते म्हणजे चंपकला खरं हमें बोली बाल छोटा करने को ऐसे कि मैं करने वाला है हाँ तो बहुत स्टाइल हो गया बस हो गया ज्यादा स्टाइल क्या जरूरत क्या है छोटे वाली जरूरत लंबे वाला रखो कुटे है वह एकदम सिंसियर बुलगार है सो स्टाइल बिल ना एवरी करेगी सिंसियर जेमी गुड बॉय है चल लेट्स प्ले द मैच तो अभी मेरे भाई से मतलब मेरे भाई के साथ होने वाला है मेरा और मेरे भाई का सीओडी मैच ये देखो एकदम गेम एकदम चालू है देखते कौन जीतेगा मी हाँ मी देखते वी वांट इंट्रो सब इंट्रो अरे ये तो इस तरीके बनना पड़ता इंट्रो नहीं इतना तो इंट्रो देला इंट्रो दे आधी का काढते ना मग काढते ना मी काढते ना और रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया है एनीमे देखना और नेम इज अटैक ऑफ टाइटंस मे बी अगर आप एनीमे लवर हो आई डोंट नो क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं मतलब ये मेरा पहला एनीमे मूवी है जो कि मैं देख रहा हूँ और देखते कैसा है क्योंकि मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा है मुझे बहुत प्यारा लगा है सेकेंड एपिसोड में अभी देख रहा हूँ एंड इफ़ यू नो अबाउट एनी थिंग अटैक ऑफ टाइटन्स इफ़ यू वॉच इफ़ यू हैड वॉच और तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स मुझे देखना है कितने एनीमे लवर्स है आउट देयर बिकॉज एनीमे का फैन फॉलोइंग अलग लेवल का है सो आई आज अपने क्लासेस में इंग्लिश मैंने कभी ट्राई किया था बट इट वॉज फ्लॉप बिकॉज कंसेप्ट फीका पड़ गया था थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया था क्योंकि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कैसे फनी बन सकता है वो मैंने प्रॉपर प्लान नहीं किया जिस वजह से वो थोड़ा कम पड़ गया एंड रील इतना अच्छे से नहीं बना तो अभी दूसरा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा ताकि यू नो वो परफेक्ट बने बिकॉज मैं चाहता हूँ वो परफेक्ट बने क्योंकि सब लोग है पूरा ग्रुप रहेगा तो वो मज़ा आना चाहिए बनाने में देखने में भी Never dealt with this before I've never been one to lie chasing something more even if it leaves a damage that you can't restore I looked up to you I broke down crying on a-
सेट गाइस, लेट्स डू दिस। हेलो सिद्धांत के पापा, मैं पापा को फोन कर रहा, मैं पापा को फोन कर रहा, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मम्मी पापा को फोन कर रहा, प्लीज। अभी हमारा एनिवर्सरी आ रहा है, थे तुम लोगों को क्या पता जन्म घेतलास आई वडिलांच्या पोटी आणि आई वडिलांचा लग्नाचा वाढदिवस माहिती नाही। अरे विसरलेलो, कसं तुम्ही लोक काय विचारणार आई वडिलांना, अरे काय डेट तर काय। हे कोण कापणार आहे? हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू बोथ ऑफ यू। स्वतःच खाल्ली। हॅपी वेडिंग ॲनिव्हर्सरी, विश यू व्हेरी हॅपी लाईफ। हॅपी वेडिंग ॲनिव्हर्सरी, विश यू व्हेरी हॅपी लाईफ। थँक्यू। दोन पुस्के भेटतात, दोन पुस्के बन के पुस्के। चला चला, किती झाले, 12:30 झाले, झोपायचा वेळ झाले। गुड नाईट, गुड नाईट। सारे फोटोज बहुत पहले खींचे हुए है। ये जो फोटो है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट। यहाँ पर दोनों बहुत यंग लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। एंड वो जो फोटो है अपा गंजे, क्योंकि वो एक साल पहले खींचा था। एज यू नो कि मैंने एक साल पहले, हमने लॉकडाउन के टाइम हम दोनों गंजे हुए थे, मेरे पापा, और तभी ही एनिवर्सरी भी था। तो ये तभी का फोटो है, बहुत क्यूट लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे मेमोरीज हैं, अभी भी हैं। एंड ये चलता रहेगा सालों साल, बरसों बरसों ही चलता रहेगा, इसका एंड नहीं, इतना जल्दी नहीं है। सो या आई एम जस्ट विशिंग हैप्पी एनिवर्सरी टू माई मॉम एंड डैड।
केलं ना असं व्हर्च्युअली पण विश करतोय मी वही लव यू बोथ अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी बर्थ एंड दिस हरामी टू कुछ का टू यार ये बहुत प्यारा भाई है प्यारा भाई तो वही थैंक यू सो मच फॉर योर चुप रे तो वही बता रहा हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट ये मैं अपने मम्मी पापा को कह रहा हूँ वर्चुअली भी ऐसा सामने जाके भी विश किया है लेकिन सब वर्चुअली भी बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग बर्थ एंड गिविंग सो मच लव लॉट्स ऑफ लव टू यू बोथ थैंक यू क्योंकि मेरे दोनों मेरे ब्लॉग देखते रहते तो ये भी देख ही लेंगे बाय